नमस्कार, स्वागत है आपका पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बुधवार की सुबह हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत विदेशी बाजारों से आ रहे हैं। तो कह सकते हैं अधिकतर अच्छे संकेत ही हैं। एसडीएक्स निफ्टी की बात करें, 176 अंकों की मजबूती वहां पर दिखाई दे रही है। कल अमेरिकी बाजारों में अच्छा प्रदर्शन दिखा। हाँ, एशियन मार्केट्स की बात करें तो निके के बाजार, जापान के मार्केट्स पर नजर डालें तो यहां पर हमने कुछ कमजोर शुरुआत होते हुए देखिए। ऑफकोर्स इसके अपने अलग संकेत हैं, 221-23 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। बाकी मार्केट्स में हम ऑफकोर्स देखेंगे किस प्रकार से शुरुआत होती है और ओपनिंग ट्रेड कैसा वहां बनता दिखता है। लेकिन यूएस फ्यूचर्स सपाट दायरे का ट्रेड दिख रहा है, 20 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है तो 10 अंकों की बढ़त के साथ नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे अहम ट्रिगर यहां पर कच्चा तेल और पूरा कमोडिटी मार्केट रहा है, जहां पर कल ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद ऑफकोर्स निचले स्तरों से हमने खरीद आते हुए देखी है। ब्रेंट जहां 1% ऊपर तो 1% की बढ़त के साथ नामिक्स रूट ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबल फ्रंट पर, जहां हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट्स में काफी उठापटक देखने को मिली है एंड ऑफकोर्स वो संकेत अब आपके सामने है। तो क्या कुछ हुआ है, आज के ट्रिगर्स पर नजर रखनी है, इस पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, कल एक बड़ा ही धमाकेदार दिन था, शाम का जो 6 से 6:30 का सत्र था, वी वर वेरी बिजी एट दैट टाइम। मुझे बताइए कि अब रूस यूक्रेन लड़ाई को तो एक महीने से ऊपर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट है शांति वार्ता। एब्सोल्युटली कुछ नरमाता हुआ रुख रूस का दिख रहा है, क्या अपडेट है? अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस बात पर कल शाम को ही आपने होते दिखा। अब मेरे पास दोनों खबरें हैं आपके लिए, अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। पहले जो अच्छी खबर है, जो आप बता रही थी कल शाम को जो इतना बड़ा एक्शन हुआ 1-1.5 घंटे में, वो ये था कि दोनों देशों के बीच में एक तो जो टर्की में बात हो रही थी वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी बन ही रही थी, क्योंकि बातचीत से पहले भी जो दोनों देशों ने कहा था, टर्की के प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए थे, वहां से अच्छे संकेत आ रहे थे। अब जो कल बातचीत हुई है वहां पर अच्छे ही संकेत आए हैं। एक तो बातचीत में अच्छी प्रगति हुई, दोनों में शांति वार्ता या समझौते की उम्मीद आ रही है, सीज फायर की बातचीत हुई, साथ ही युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देशों ने अहम कदम उठाए हैं। और वो कैसे हैं? रशिया कह रहा है कि हमारा जो सेंट्रल कंसर्न है वो ये है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉन न्यूक्लियर रहना चाहिए, किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन मिलिट्री अलायंस के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। और यहां पर काफी अच्छी चर्चा हुई। यूक्रेन तो ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेटस पर अपना कमिटमेंट भी जताया है और नेटो की तो मेंबरशिप वैसे भी उन्हें नहीं मिलने वाली। यूक्रेन की तरफ से ये कदम उठाए गए। रशिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि कीव, जो उनकी कैपिटल है, और एक और पास का शहर चेन्नीहीव, वहां से ये लोग अपने जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको वापस ले लेंगे। सिर्फ जो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन में इनकी प्रेजेंस है वहीं पर इनका फोकस बना रहेगा। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसे आप मान सकते हैं जब उन्होंने कहा है कि हम अपनी मिलिट्री को इन कुछ एरिया से वापस लेंगे, और सामने से आश्वासन जो यूक्रेन ने दिलाया है। साथ ही एक बड़ा स्टेटमेंट आया जो यूक्रेन की तरफ से नेगोशिएशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद पुटिन साहब और जेलेंस्की साहब के बीच भी अब बैठक हो सकती है। और अनिल जी, जैसा हर बार कह ही रहे हैं, ये युद्ध तभी खत्म होगा जब दोनों देश के प्रेसिडेंट एक दूसरे से मिलेंगे, तब तक बातचीत चलती रहेगी पर युद्ध खत्म नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आना एक बड़ी बात है। हालांकि कब होगी ये बातचीत, किस कंडीशन में होगी, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई। ये तो रही अच्छी बात, पर क्यों ये उतनी भी अच्छी बात आप नहीं मान सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी रूस, जब आपको याद है युद्ध शुरू होने से पहले मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, रूस कह रहा था ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, हम अटैक नहीं करने वाले हैं, फिर बीच में उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना वापस दे रहे हैं, वो बेस वापस जा रही है। हमने देखा कि वो कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो अब ये जो कह रहा है कि हम सेना वापस देंगे, अलग एरिया में ही फोकस करेंगे, सिर्फ सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन में ही रहेंगे, इस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं ये जानना जरूरी है। और जेलेंस्की साहब ने भी इस पर कहा कि हमें देखना है कि क्या हम रूस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो अच्छा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट डेफिनेटली कल शाम को है, अब तक की बेस्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट आपने कल देखी है, पर आप इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये अभी भी जानना बाकी है। हालांकि हाँ, ऑफकोर्स एक बार बाजार ने इस पर पॉजिटिव रिएक्शन जरूर दिखाया है। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड, उम्मीद करते हैं कि एक बार वंस एंड फॉर ऑल यहां पर ये युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़े। लेकिन दीपांशु, चलिए ग्लोबल अपडेट्स बता दी और यही सबसे अहम ट्रिगर रहा है जिसके चलते कल हमने अमेरिकी बाजारों को चढ़ते हुए देखा, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग कमोडिटी मार्केट में देखी। ऑफकोर्स निचले स्तरों से 1.5% की स्ट्रेंथ कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल में देखने को मिली है, लेकिन
आया तो अच्छा खासा करेक्शन है वहां पे। जरा बताइए कि कल क्या कुछ हुआ है मार्केट्स में और आज कहां नजर रखनी है? बिल्कुल, तो जैसे ये युद्ध का डर खत्म हुआ इसलिए कल हमने एक अच्छा रिएक्शन आते हुए देखा। सारे बाजार आपको अच्छी ट्रेड दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी लगभग पौने 200 पॉइंट ऊपर है। कल शाम को तो आपने 350 पॉइंट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में आती हुई देखी थी, तो अच्छा ही एक्शन माना जाएगा। हालांकि जापान का कुछ डेटा खराब आया है, कुछ उनकी इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर आप जापान में सुस्ती देख रहे हैं, जो रिटेल सेल्स कमजोर रहे हैं, बट उसके अलावा बाकी एशिया के बाजार अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। और अमेरिकी बाजार भी हमने देखा थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन था, अच्छी शुरुआत हुई फिर गिरे, पर वहां से अच्छी रिकवरी हुई और लगभग लगभग हमने देखा 350 अंक उछल कर डाउ कल बंद हुआ। डाउ और S&P 500 पर लगातार चार दिनों से हम तेजी देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आईटी लीड कर रहा है। कल भी लीडरशिप आपने आईटी से ही आती हुई देखी, नैसडैक 1.8% ऊपर था और आपको याद होगा नेहा जब गिरावट आई थी तो नैसडैक ही सबसे आगे था और ऊंचाई से 20% से ज्यादा गिर चुका था, यानी कि बेयर मार्केट में आ गया था। अब रिकॉर्ड से सिर्फ 10% दूर है नैसडैक, यानी कि बहुत ही बढ़िया रिकवरी पिछले कुछ दिनों से हमने देखी है। ज्यादा खरीदारी आपने ब्रॉडर मार्केट्स में देखी थी, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप, रसल 2000 जो इनका मिड कैप इंडेक्स है, वहां पर हमने कल 2.6% की तेजी देखी है। बॉन्ड यील्ड भी काफी तेजी से गिरी है, 2.4% के नीचे आ गई है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है। एनर्जी शेयर्स यहां पर गिरावट हुई, कंज्यूमर शेयर्स में खरीदारी होते हुए देखी। आज Q4 GDP के आंकड़े आएंगे तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। तो एक्शन पैक्ड डे रहा जहां तक यूएस का सवाल है, उससे ज्यादा एक्शन आपने यूरोप में देखा। जर्मनी के बाजार ऑलरेडी प्री वॉर लेवल पर आ गए थे, कल लगभग 2.8% ऊपर है, क्योंकि ऑफ कोर्स युद्ध कम होता है या खत्म होता है तो सबसे बड़ा फायदा जर्मनी को ही होगा। फ्रांस भी कल 3% ऊपर ही आपको होते हुए दिखा। और कच्चे तेल में हालांकि कल शाम इस खबर के बाद एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था, पर आज सुबह देखिए वापस वो 110-111 के लेवल पर आ गया, तो जो शॉर्ट लिव्ड राहत थी, देखते हैं आज थ्रू द डे कैसा ट्रेड करता है। डॉलर और सोने दोनों पर आपने कल दबाव भी देखा है। बिल्कुल, डॉलर सोने पर भी दबाव दिखा, मेटल्स भी थोड़ा सा क्रैक हुए, एंड ऑफकोर्स एग्री कमोडिटी स्पेस में भी प्रेशर देखा। यूरो ऑफकोर्स इस खबर के बाद थोड़ा मजबूती लेता हुआ दिखा है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो दोनों खबरों पर अपडेट्स रखने के लिए। चलिए, कल हमारे मार्केट्स में भी भारी उतार चढ़ाव था, उसके बाद पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं, लेकिन कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन हुआ है एक बार आपको वो दिखा देते हैं। तो कैश स्पेस में FIIs की तरफ से 35 करोड़ की खरीद हमने देखी, DIIs की तरफ से 1713 करोड़ की खरीद देखने को मिली है, और FNO स्पेस की अगर बात करें तो यहां पर भी हरियाली छाई है, FIIs की तरफ से 3265 करोड़ के आसपास की खरीद दिखी। तो काफी समय के बाद ये जो तीनों कॉलम्स हैं वो हरे निशान में नजर आए हैं। चलिए, जिस प्रकार के संकेत हैं जो मोटे तौर पर अच्छे ही दिख रहे हैं ग्लोबल फ्रंट पे, यहां पर आपको हमारे मार्केट में रणनीति किस प्रकार की अपनानी है, क्या ट्रेड लेवल्स होंगे, इस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, इंटरनेशनल मार्केट से देखा जाए, एक आप निके के मार्केट्स को छोड़ दें तो फिलहाल अच्छे अच्छे संकेत ही दिख रहे हैं। हमने संस्थागत निवेशकों की भी तरफ से प्रदर्शन ठीक ठाक ही देखा। सर बताइए हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ट्रेडिंग लेवल्स होंगे? देखिए मजबूती के साथ ही ट्रेड करेंगे, और कल भी हम दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, कल ही ये संकेत आ गए थे, परसों भी क्लोजिंग से संकेत आए थे कि बाजार और ऊपर जाने को तैयार है। आज तो संकेत साथ काफी बेहतर है। कल दोपहर में बाजार बंद होने के बाद ये संकेत आ रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव कम होने, बातचीत और आगे बढ़ने के आसार है, और देर शाम जो खबर आई कि रूस थोड़ा अपनी सेनाओं का संचालन कम करने की कोशिश कर रहा है, ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। बातचीत से ठीक पहले बाजार इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें आज बहुत अच्छी दिख रही है। पहला, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म करने की तरफ बढ़ने के आसार, पहली बात वो है। दूसरा, अमेरिका में शानदार तेजी होती दिख रही है। तीसरा, भले ही कच्चा तेल अभी वापस से $110 के आसपास आया, लेकिन कल बड़ी रिलीफ मिली थी $105 के आसपास आकर। थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन कच्चा तेल में अब लगातार ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है, नीचे की तरफ आता दिख रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। अब हमारे अपने संकेतों को देखें, कल वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी है, उससे ठीक पहले अभी भी बाजार ओवरबॉट कहीं भी नहीं है बढ़ने के बावजूद, ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात यह है कि FIIs की तरफ से दिवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है। कल 35 करोड़ की छोटी सी खरीदारी का आंकड़ा आया, हालांकि वायदा कारोबार में जरूर उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा बेचा है, लेकिन फिर भी आंकड़े थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं और घरेलू फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अच्छी बात है कि बाजार हल्के हैं और अंतिम बाजार थोड़े और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इन सारे संकेतों के बीच में ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ी और तेजी दिखा सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, और थोड़ा हम और मजबूत होने की कोशिश कर सकते हैं, और ट्रेडिंग रेंज धीरे धीरे ऊपर होती दिख रही है। और आप देखिए इस पूरे रनअप में
हमें जो 16,000 के नीचे के लेवल हमने देखे वहां से कल जो आपको क्लोजिंग मिली है 17,325 की, वो अब तक की हाईएस्ट है। ऐसे में 17,150-17,225 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम, ट्रेडिंग रेंज में सपोर्ट आपका 17,200 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। जो ऊपर की रेंज बनेगी 17,450 के आसपास का हाई हमने बनाया था 22-23 मार्च को, उसको पार करके खुलेंगे। ऐसे में 17,525-17,625 ऊपरी जोन है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज के लिए हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,500-35,700 ये बैंक निफ्टी पर आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 36,250-36,425 वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, तो इन लेवल्स पर इस रेंज पर आपको नजर रखनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और कम गैप से खुले तो खुलते ही खरीदारी करनी चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए। तो क्लियरली आज संकेत कुछ बेहतर दिख रहे हैं, निचले स्तरों पर खरीद की रिकमेंडेशन है। निफ्टी में 17,150-225 वो आपकी सपोर्ट रेंज का काम करेगा और 17,525-625 ये अनिल सर की सुझाई हुई अपर बैंड है। वहीं बैंक निफ्टी में सर को लगता है कि 35,500-35,700 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा और अपसाइड में 36,250-425 ये लेवल बाजार टेस्ट करता हुआ अपर बैंड में नजर आ सकता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आज किस तरह का मूड मिजाज है, लेकिन स्टॉक एक्शन भी कम नहीं है, ट्रिगर्स भी काफी सारे हैं और खबरों के दम पर स्टॉक्स में आज उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। तो स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग, जरा बताइए कि आपकी स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट में आज क्या क्या शामिल है, ऑफ कोर्स ट्रिगर्स जरूर शेयर करिए। गुड मॉर्निंग, ट्रिगर्स में सबसे पहले हरिओम पाइप्स है जिसका आज आईपीओ खुलेगा और वो 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक खुलेगा। उमा एक्सपोर्ट्स है जिसका आईपीओ बंद होगा और आज कैबिनेट मीटिंग है। कुछ चार कंपनियों की एक्स डेट है जिसमें अंबुजा सीमेंट है जिसमें फाइनल डिविडेंड 6.3 वाला है, SBI कार्ड्स है जिसका अंतरिम डिविडेंड है 2.5 का, क्रिसिल है जिसमें फाइनल और स्पेशल डिविडेंड है 22 का और धामपुर शुगर है जिसमें अंतरिम डिविडेंड है 6 रुपये का। कुछ प्राइस बैंड है जिसमें 20% to 10% रिविजन है जिसमें अडानी पावर, मद्रास फर्टिलाइजर्स है और 10% to 5% है जिसमें अडानी विलमार है। ग्लोबल डेटा आएगा जिसमें US Q4 का GDP का डेटा आएगा। कुछ IPO अपडेट्स हैं जिसमें हरिओम पाइप जिसका IPO आज से खुलने वाला है, प्राइस बैंड है 144 से 153 का और इश्यू साइज है 130 करोड़ का पूरा ये फ्रेश इश्यू है। उमा एक्सपोर्ट्स आज आखिरी दिन था, कल आखिरी दिन था उसका और वो कुल मिलाकर 4.17 टाइम्स भरा है, QIB में 1x, NII में 0.94 और रिटेल में 5.62x। वेदांता लर्निंग जिसका अभी तक IPO 0.74x भरा है जिसमें QIB 0.05, NII 0.85 और रिटेल है 4.15। न्यूज़ में सबसे पहले ONGC जिसमें OFS के माध्यम से सरकार 1.5% हिस्सेदारी बेचेगी और फ्लोर प्राइस इसका 159 का रखा गया और रिटेल निवेशकों के लिए ये OFS गुरुवार से खुलेगा। मौजूदा भाव से करीब जिस भाव पर फ्लोर प्राइस है उससे 7% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस पे। टाटा कंज्यूमर टाटा कॉफी के लिए खबर है जिसमें टाटा कॉफी के प्लांटेशन कारोबार को डीमर्जर किया जाएगा और उसको मंजूरी मिल चुकी है। स्कीम के अंतर्गत टाटा कॉफी के 10 शेयर पर टाटा कंज्यूमर से 3 शेयर मिलेंगे और डीमर्जर के बाद टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर को मर्ज किया जाएगा और जो भाव है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो 13.7% प्रीमियम पर है। टाटा कंज्यूमर UK में अतिरिक्त 10% हिस्सेदारी खरीदने को भी मंजूरी मिली है। IDBI बैंक जो कि जी बिजनेस की खबर पर मोहर है जिसमें एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी मिल चुकी है और ये 20 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे और एजेस इंश्योरेंस इंटरनेशनल NAV को ये बेचे जाएंगे। हीरो मोटोकॉप जिसमें बोगस खर्च दिखाने पर कंपनी ने सफाई दी है, कंपनी ने खबर का खंडन करते हुए कहा है कि IT जांच पूरी होने पर एक्सचेंज को पूरी जानकारी दी जाएगी और कोई भी दस्तावेज फर्जी खर्च को साबित नहीं करते हैं। उसी के साथ मोटरसाइकिल की कीमतों में 2000 तक की बढ़ोतरी हुई है और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो 5 अप्रैल से लागू होगी। BEL जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एक ऑर्डर मिला है और ये रक्षा मंत्रालय से लगभग 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रुचि सोया जिसमें FPO के इश्यू प्राइस को लेकर बोर्ड बैठक 31 मार्च को होगी और बता दूं मैं ये पहले बोर्ड बैठक 29 मार्च को होने वाली थी। वेल्सपन कॉर्प जिसमें सऊदी अरब की कंपनी ईस्ट पाइप्स इंस्टीट्यूट को ऑर्डर मिला है और सेलाइन वाटर कन्वर्जन के करीब 1000 करोड़ के ये ऑर्डर मिले हैं।
चलिए तो ये हैं आज के वो ट्रिगर्स एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर वो स्टॉक्स की लिस्ट जहां पर आपको कमाई करने का मौका मिलेगा। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल रखने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की ग्रासे में खरीद की रिकमेंडेशन है, 1595 का स्टॉप लॉस, 1680 का टारगेट ये सुझा रहे हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग HDFC बैंक खरीदने की सलाह है, 1500 का टारगेट, 1430 का है स्टॉप लॉस। टाटा केमिकल्स में भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 970 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1030 रुपए का। चलिए आज के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या निकल कर आ रही है, किन स्टॉक्स में पैसे लगा के आपको कमाई का मौका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु गुड मॉर्निंग, जरा बताइए एक्सपायरी से एक दिन की दूरी पर है, किस प्रकार के मौके आज दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए क्लियरली कल हमने बाजार बंद होते होते जिस तरह की खरीदारी पिछले एक घंटे में लास्ट एक घंटे में देखी थी वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिव थी कि आज बाजार एक पॉजिटिव मूड के साथ खुल सकता है। और बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से यूक्रेन और रशिया की तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज जो आया वॉर को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि इमीडिएटली SGX फ्यूचर्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज भी रात को हमको US की तरफ से आते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि बाजार की जो शुरुआत है वो अच्छी हो सकती है, तेजी के साथ हो सकती है। वीकली एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले मुझे लगता है कि 17,500 एक बड़ा पड़ाव है जहां पर सबसे बड़ी कॉल राइटिंग विजिबल है इस सीरीज में। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के इंडिकेटिव टिक्स हैं 17,500 के ऊपर ही निफ्टी खुलने की तैयारी कर सकता है, जिसके चलते 17,500 में जो कॉल का प्रेशर है वो देखना पड़ेगा कि खुलने के कुछ मिनट के बाद क्या वहां पर अनवाइंडिंग एक्टिविटी शुरू होती है या शुरुआती मिनटों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो नेहा जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शुरुआती अगर कोई भी टिप मिलता है 17,500 के आसपास तो वहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। 17,400 का एक इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे और अपसाइड में 17,600-17,650 तक के टारगेट, जिस पर हम काफी दिनों से यहाँ पर डिस्कशन करते आ रहे हैं कि वो लाइकली टारगेट इस लेग ऑफ अपसाइड में हो सकते हैं, वो शायद आपको आज के सेशन में या फिर कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल गैप के बाद भी शुरुआती जो पहला डिप मिलता है उसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सिमिलर लाइंस पर निफ्टी बैंक में भी 36,000 पर सबसे बड़ा यहाँ पर कॉल OI खड़ा था और आज उसके ऊपर ही यहाँ पर बाजार खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो एक बड़ा कॉल राइटर्स को एक प्रेशर शुरुआती मिनटों में ही झेलना पड़ सकता है, जिसके चलते फर्दर फ्रेश जो शॉर्ट कवरिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलेंगे, 36,250-36,450 तक के टारगेट, 35,800 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी के लिए बजाज फाइनेंस एक स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। कल क्लोजिंग टाइम में अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी, तो मुझे लगता है कि 7,200-7,250 तक के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में आज खरीदारी करेंगे, 7,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए वो धमाकेदार रणनीति सुझाने के लिए। और अब वक्त हो गया कमोडिटी बाजार की रणनीति आपके सामने रखने का। कल तो हमने देखा ही कि शाम के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी बाजार में हमने देखा कि पूरी गिरावट हावी हुई, उसके चलते घरेलू बाजार में भी हमने अधिकतर कमोडिटीज को गिरावट पर ही बंद होते हुए देखा है। कच्चा तेल 209 रुपए की कमजोरी लेकर 8,000 के नीचे बंद हुआ है। तो आज जो रिकमेंडेशन आ रही है वो हम आपके सामने रखते हैं। अनराठी के जिगर त्रिवेदी की कच्चे तेल में रिकमेंडेशन है कि आप कच्चा तेल अप्रैल वायदा आज जब मार्केट खुले तो खरीद के चले, 7,900 के पास मिले तब 7,850 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऐसी स्थिति में 8,000 का होगा। सोने चांदी की कीमतों में भी कल हमने तगड़ा करेक्शन देखा, 650 रुपए नीचे सोना बंद हुआ है, चांदी में 1,150 रुपए की करेक्शन देखी है। तो सोना आज बेचकर चलने की सलाह निकलकर आ रही है, 51,300 के पास सेल करने की रिकमेंडेशन जिगर की तरफ से आई है, 51,100 का टारगेट आपको यहां मिल जाएगा। वहीं मेटल स्पेस की बात करें तो तगड़ा करेक्शन यहां पर भी देखने को मिला, एल्यूमिनियम निकल जिग ये खासे टूटे, 2-4% की गिरावट दिखी है। तो एल्यूमिनियम में आज रिकमेंडेशन निकलकर आई है, यहां पर भी बिकवाली की रिकमेंडेशन है, अप्रैल वायदा यहां पर बेचकर चले 280 रुपए के पास और टारगेट 278 का आपको मिल जाएगा, 281 के पास का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो जो आज की रिकमेंडेशन है वो हम आपके सामने रख देते हैं, CLSA स्टार हेल्थ पर उनकी बाय इनिशिएट करने की सलाह निकल कर आई है और यहां पर वो टारगेट 830 रुपए का दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। नमस्कार।